के साथ शेयर करें कि क्या रही मीटिंग, कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या डिमांड्स जो हमने आगे रखी प्राइम मिनिस्टर के सामने, ये सारी बातें हमने सोचा। जब भी KCCI कहीं भी डिग्नेटरीज को मिलती है, वो होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपकी बात तो प्राइम मिनिस्टर की बात थी, तो हमने सोचा कि आपके साथ ज़रूरी शेयर करना है जब हम वापसी आ गए। माय फ्रेंड्स, एज आई सेड, लास्ट 2-3 ईयर्स वी वेयर परसिस्टेंटली परसुइंग फॉर मीटिंग्स विद द यूनियन मिनिस्टर्स। और लास्ट टाइम पे हमने जो बात करी, हमारे पास जो मुश्किलात हैं वो सारी हमने बाई थी उस टाइम पे, और ये एक मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बाकी रही और हो नहीं पाई कोविड की वजह से। और उस वक्त कहा गया था हमें कि ये पोस्टपोन की गई है, कैंसिल नहीं की गई है। और अल्लाह का करम है कि 2-3 दिन पहले हमें मैसेज आया, 1 दिन पहले, तो इस तरह मीटिंग है तो आप आ जाइए। इसी तरह बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी फ़ोन आ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह गए और मीटिंग स्टार्ट की। मैंने सोचा एक पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लें। ये जो मीटिंग थी, ये सिर्फ एक मीटिंग और इंटरेक्शन सेशन नहीं था, ये लोगों के मसाइल का मसला होता है। जब हम KCCI पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका अवलन फ़र्ज़ होता है। जो भी बिजनेस हमारे हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट का क्या हालत था, टूरिज़्म की क्या हालत थी, हमारे हैंडीक्राफ्ट जो एक्सपोर्ट था जो 30 से 40% डिक्लाइन पे था, ये सारी चीज़ें आप, इंडस्ट्री हमारी जो थी जिसके लिए हम कहते हैं कि लेवल प्ले फील्ड कैसे किया जाएगा कायम, क्या क्या पॉलिसी लाए जाए ताकि जो प्रेजेंट बिजनेसेस है, हमारा मेन मकसद और मुद्दा, देखिए हम कश्मीर चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा अवलन फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लोग जो लोकल हैं उनको प्रॉस्पेरिटी कैसे आ जाएगी। अगर ये चीज़ें हम इस लेवल पे नहीं रखेंगे तो हमारे मसाइल कैसे ठीक हो जाएंगे। आपके साथ मैं शेयर करूं, हमारे जो 2-3 साल पहले यहाँ पे एक कयामत सी बाई थी, जब सारा बंद हुआ था तो बैंक्स ने एक महाज स्टार्ट किया था, तो उस वक्त पूरा एक जॉइंट सामने आ गया था, पूरी 30-35 ऑर्गेनाइजेशंस, आप लोगों को सबको याद होगा, और वी देन परस्यूड दैट मैटर। और आज के डेट में आज देखेंगे लोग सामने भी आ रहे हैं और बैंक्स को भी वापस आ रहा है अपना पैसा। आपने देखा होगा 15 लाख से 5 करोड़ उन्होंने किया। ये हमारा कहना है कि ये इधर ही रुकना नहीं चाहिए। जो 0 to 15 लाख्स हैं उनके पास भी मसाइल है, ये सारे सरकमस्टेंशल हैं, और वो भी तब भी रिलीजियसली पे बैक करना चाहते हैं, तो पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। 5 करोड़ के ऊपर ऊपर स्टेज वाइज जो भी है वो क्लियर होना चाहिए। और हम चाहते हैं, वी एट KCCI वांट एवरी बिजनेस टू बी रन, नॉट टू बी क्लोज्ड। बेरोज़गारी सबका फसाद होता है और ये जड़ है फसादों का। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे, देखिए एक कारोबारी जो एक दुकानदार होता है, जब उस दुकान में माल नहीं है और कर्जे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे हालात में आप सोच लीजिए, जब ऑटो का एक ड्राइवर या टैक्सी वाला एक निकलता है, ट्रांसपोर्टर निकलता है, जब वो कमाएगा नहीं तो अपने अहल आयाल को खिलाएगा क्या। ये सारे मसाइल जो है वक्तन फवक्तन हमने हर लेवल पे उठाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, बड़े एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। और इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करवाने वाली थी JNK वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्रा भी। हमारी पहुंच जो है, हमारी लिमिटेड पहुंच होती है, आए दिन हम लिखते रहते हैं, मगर ये मीटिंग उन्होंने कोऑर्डिनेट की और बड़े अच्छी तरीके से हमने वो मतलब बात करी हर एक इशू पे, वो बैंकिंग रिलेटेड हो, ओवरऑल इकॉनमी हो, एयर कनेक्टिविटी की जो बात हम आपके साथ बात कर रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी और नेशनल हाईवेज़ की, ये कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर श्रीनगर जिद्दा हम रेस्टोर होती है तो हमारे जो लोग हैं, जो हज प्रोग्राम अभी हमारे हज इस 2-3 साल के बाद जा रहे हैं, ये बहुत एक अवलन फ़र्ज़ हमारा है कि लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। साल भर लोग उमरा पे जाते हैं, इसी तरह श्रीनगर शारजा की फ़्लाइट आप देख रहे हैं, अब रेगुलराइज हो गया है, तो कुछ देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज़, वो बात भी हमने बात करी। बहुत अच्छी तरह से हमने अपनी सारे बातें जो बोली हैं, हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए सॉफ्ट लोन के लिए जो भी हमारे बिजनेस को अभी ज़रूरत है, देखिए नई इन्वेस्टमेंट तो आएगी जो भी सूरत में, जो नए डाल रहे हैं बिजनेसेस हमारे कश्मीर में, जो प्रेजेंट हो या जम्मू में हो, आप देखिए
लोकल इंडस्ट्रीज़ को हमने सपोर्ट करना है, बिजनेसेस को सपोर्ट करना है। हमने एक्सपोर्ट के लिए, आपने देखा होगा, हमने GI टैग उनके सामने रखा काली, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा कि हम इसको प्रमोट करेंगे और मैं खुद आपके साथ खड़ा होकर इसका साथ फ़ोटो उठाने के लिए तैयार हूँ, और मैं जहाँ पे जाऊँगा कि आपके कालीन, कश्मीर की कालीन हो, हैंडीक्राफ्ट हो, ये एक शिनाखत है कश्मीर की, इसको आगे लेना है। तो ये कहने के लिए आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि उन्होंने कहा कि जितना भी इसमें वैलिड और जेन्युइन मेरे इसमें लगता है, मैं कोशिश करूँगा कि इन पर अमलन काम हो, और हम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जब भी मैं आता हूँ तो कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें मैं कुछ ना कुछ आपके लिए बोल ही दूँ। अब देखिए, हमारा काम होता है उनके सामने पॉइंट्स रखना, जो भी डिमांड्स हैं, फिर गवर्नमेंट का क्या कॉल लेती है, कैसे लेती है, वो गवर्नमेंट को कॉल ले लेती है। मगर हमारे पास जो मीटिंग हुई, कैसे, किन हालातों में हुई, और बहुत एक खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई, बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स में उन्होंने दिया है। एंड वी होप कि जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, जो चाहती है कि काम करे, वो इंडस्ट्रीज़ हो, वो हमारे ट्रेडर्स हो, सब चाहते हैं कि काम अच्छी तरह हो, बट हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। जब आप सालों साल बंद रहते हैं, बैठ जाते हैं, तो आपकी जो गाड़ी है वो भी बैठ जाती है। इसी तरह हमारे बिजनेस को थोड़ा पुश की ज़रूरत है, जो हमने अच्छी तरह से आगे बताया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो प्लीज़।